by Indian Transport OBS का समझो अगर W के टर्म में हम कोई भी Z का फंक्शन रखेंगे तो इस मैपिंग के द्वारा हम Z प्लेन के हर किसी पॉइंट को W प्लेन के किसी ना किसी पॉइंट पर मैप कर पाएंगे क्योंकि W is equal to F Z में अगर Z को X plus I वाली और W को U plus I वाली रखा जाए तो U का मान X वाई के एक ट्रांसफॉर्मेशन W is equal to PZ is equal to AZ plus B upon CZ plus D. तो linear transformations का division निश्चित रूप से इसीलिए bilinear word आया bilinear दो तो bilinear means दोनों के दोनों linear transformations का division. A transformation W is equal to PZ is equal to AZ plus B upon CZ plus D. Where A, B, C are complex numbers. It's said to be a bilinear transformation or Mobius transformation. If I'm not needed, transformations to tab confirm होगी जब उसका derivative zero ना हो. तो इस बात को भी तो assure करना पड़ेगा कि इसका derivative zero ना हो जाए. जरा निकालियो derivative dw by dz कितना है? W को z के respect में differentiate किया. CZ plus D का whole square. CZ plus D is as such into A. Minus AZ plus B is as such. ऊपर ACZ कट गया. ऊपर बचा AE minus BC. Upon CZ plus D का whole square. अगर बाई पे AB माइनस BC जीरो हो जाए, तो DW by DZ जीरो हो जाए। AB माइनस BC is normal. Transformations तो कन्फर्म होता होगा ना जब उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो और डेरिवेटिव नॉन जीरो तब होगा जब AB माइनस BC नॉन जीरो होगा। क्या? Is equal to AD minus BC is defined as discriminant of the bilinear transformation. ये bilinear transformations का discriminant कहलाता है, जो ये assure करता है कि transformation conform है या नहीं. पहली बात, W बराबर AZ plus B upon CZ plus D एक bilinear transformation होगी, जो कि दो linear transformation का division होता है, जहाँ AB CD सारे complex number हैं. और ये ट्रांसफॉर्मेशंस कन्फॉर्मल तब होगी जब AB माइनस BC नॉन जीरो. अब इसमें कितने अननोन है ट्रांसफॉर्मेशन? दिखने को तो चार ही दिखते हैं लेकिन है नहीं चार. अगर यहां से पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को A से डिवाइड कर दो, Z प्लस B अपॉन A अपॉन C बाई A, Z प्लस D बाई A, B बाई A, C बाई A, D बाई A, उन्हें नया कॉन्स्टेंट कर दो, कॉन्स्टेंट तो तीन है. इट मीन्स bilinear transformations में दिखते चार constant हैं, लेकिन हैं independent constant केवल चार. Further note, the bilinear transformation W is equal to PZ is equal to A ऊपर से common लो, C नीचे से, Z plus B by A upon Z plus D by C. अब देखो दिखना शुरू हो गया होगा. a by c को एक कांस्टेंट मान लो, b by a को दूसरा मान लो, d by c को तीसरा मान लो, तो तीन ही कांस्टेंट हो गए. यस इंक्लूड्स थ्री इंडिपेंडेंट कांस्टेंट क्रॉस रेशियो. इफ z1 z2 Z3 and Z4 are four distinct complex numbers, then their cross ratio is defined as agar Z1, Z2, Z3, Z4 char distinct complex numbers then unke corresponding cross ratio aise define karte hain. 1 minute samajhna.
Jack one, Jack two, Jack three, Jack four. Ye number kya hai? Ki sabko uthate hai bracket ke andar. Is equal to पहले में से दूसरा घटाइए न्यूमरेटर में लिखो पहले में से दूसरा दूसरे में से तीसरा डिनोमिनेटर में ये क्रम में चल रहा है पहले में से दूसरा दूसरे में से तीसरा तीसरे में से चौथा और चौथे में से पहला क्रम ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे इसीलिए कहा जाए क्रॉस उनकी प्लेसेस हम बार बार चेंज कर रहे हैं रेशियो मींस पहला काम आया जेड वन माइनस जेड टू न्यूमरेटर में दूसरा काम जेड टू माइनस जेड थ्री के न्यूमरेटर में तीसरा काम जेड थ्री माइनस जेड फोर फिर न्यूमरेटर में और लास्ट काम जेड फोर माइनस जेड वन दिस रेशियो इज डिफाइंड एज क्रॉस रेशियो प्रॉपर्टी इज ऑफ bilinear transformation. Very important. If T1z and T2z are bilinear transformations, then T1 composition T2, mapping ko to compose karte hai na, is again a bilinear transformation. ये थ्योरम हमसे ये कह रहा है ये थ्योरम कहिएगा या प्रॉपर्टी कहिएगा कि दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कंपोजिशन फर्दर एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं कैसे श्योर होते हैं कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर है बस उसका डिस्क्रिमिनेंट नॉट जीरो होना चाहिए है ना कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं आपको दे दूं और अब मैं पूछूं आपसे कि क्या ये बाइलिनियर है बाइलिनियर होने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नॉट जीरो है तो ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास T1 Z भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T2 Z भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मुझे ये शो करना है कि उन दोनों की दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस का कंपोजिशन एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन करो लेट W1 T1 Z A1 Z plus B1 upon C1 Z plus B1 such that रेस्ट्रिक्शन तो लगानी पड़ेगी ना तभी तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा वन इज इक्वल टू ए वन बी वन माइनस बी वन सी वन इज नॉन जीरो एंड इसी प्रकार से मान लो डब्ल्यू टू इज इक्वल टू टी टू जेड इज इक्वल टू ए टू जेड प्लस बी टू अपॉन सी टू जेड प्लस डी टू सच दैट delta 2 is equal to a to b2 minus b to c2 is non-zero. Two bilinear transformations. T1 composition T2 z will be equal to T1 of T2 z. देखिए ये रखा है हमारे पास T1 z. अगर मुझे P1 और T2 Z निकालना होगा तो जहां जहां Z लिखा है सबको T2 Z से रिप्लेस करो यहां पर जहां जहां Z लिखा है उसे T2 Z से रिप्लेस करो A1 T2 Z plus B1 upon C1 T2 Z plus D1 अब T2 Z का मान रखो दैट इज A1 T2 Z है A to Z plus B2 upon C to Z plus D2 plus B1 upon C1 A to Z plus B2 upon C to Z plus D2 plus B1 will be equal to simple answer zero C to Z plus D2 to LCM लेके कट जाएगा तो A1 A to Z plus B2 plus B1 C2Z plus D2 upon C1 A2Z plus B2 plus D1 C2Z plus D2 that is Z का term कौन आया ऊपर A1 A2 plus B1 C2 Z ऊपर जेड का है
plus A1 B2 plus B1 B2 constant upon C1 B2 plus B1 C2 Z plus C1 B2 C1 A2 minus plus B1 D2. Mali ahí. AZ plus B upon CZ plus D. यदि आप ये प्रूफ कर सकें कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? AB माइनस BC. डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू AB माइनस BC. A मींस A1 A2 प्लस B1 C2. B मींस C1 B2 प्लस B1 A2 माइनस A1 B2 plus B1 B2 C1 A2 plus B1 C2 Pahla term A1 A2 C1 B2 plus A1 A2 B1 A2 plus B1 B2 C1 C2 plus B1 C2 B1 B2 चार टर्म तो पहले से आएंगे और चार ही बार बार से आएंगे माइनस इससे चार A1 A2 C1 B2 प्लस A1 B2 B1 C2 प्लस B1 D2 C1 A2 प्लस B1 B2, B1, C2. दो कम पूरे पूरे कर गए. अब देखो इसमें से A1, A2, B1, B2 और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है ना? A1, B1 कॉमन आ रहा है. A1, B1 कॉमन. A2, D2 माइनस B2, C2. ऐसे एक ये बचा है और एक ये बचा है अभी इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या माइनस कितना B1 C1 कॉमन B2 A2 माइनस B2 C2 इन दोनों का में से फर्दर कॉमन आ गया A2 D2 माइनस B2 C2 दोनों में से कॉमन और अंदर बचा A1 B1 माइनस B1 C1 ये पहले का डिस्क्रिमिनेंट है ये दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट है और दोनों के दोनों नॉन जीरो है तो ये नॉन जीरो नहीं हुआ पहले का डिस्क्रिमिनेंट और दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट प्रोडक्ट ही तो हो रहा है इसका ये भी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी किसी दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को कंपोज करते हैं तो उसका अल्टीमेट डिस्क्रिमिनेंट दोनों अलग-अलग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के डिस्क्रिमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर The inverse of a bilinear transformation is again a bilinear transformation. The inverse of a bilinear transformation is again a bilinear transformation. Like W is equal to DZ is equal to AZ plus B upon CZ plus B such that AB minus BC is non-zero. B is a bilinear transformation. W का मान Z के टर्म में दे रखा है। Cross multiply कर कर Z का मान W के टर्म में नहीं निकाल सकता। W CZ plus D is equal to AZ plus B. Z Z के टर्म में एक साथ Z इधर लाकर common CW minus A is B minus DW. तो Z का मान जो है DW minus B upon A minus CW बल्कि ऐसे लिखा है minus CW plus A. T inverse Z कितना होगा?
यही की इन्वर्सिया है। ये जो W, ये जो आपने इधर लिखा था W का मान जैक के क्रम में था, तब तो था ये चीज है। अगर जैक का मान W के क्रम में निकाल लो तो ये इन्वर्स आ जाए ना। मैं अभी अश्योर करूंगा कैसे की इन्वर्स आता है, करूंगा, लेकिन मुझे की इन्वर्स को जैक का फंक्शन लिखना है ना। फिलहाल तो W का है, दैट इज ई जेड माइनस बी अपॉन माइनस के सी जेड प्लस ए। जब W का मान जैक के क्रम में है तब तो ये ई जेड है, और जब आप जैक का मान W के क्रम में ले आओगे तब तो ये इनवर्स जैक होगा। ये बताओ किसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? सेम माइनस बी सी। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट उतना ही है जितना डिस्क्रिमिनेंट ई जेड का है विद विद डिस्क्रिमिनेंट। डेल्टा इज इक्वल टू ए बी माइनस माइनस बी माइनस सी, दैट इज ए बी माइनस बी सी विच इज नॉन जीरो। अगर ये वास्तव में टी की इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी को टी इनवर्स के साथ कंपोज करने पर टी ऑफ टी इनवर्स जेड, ये रखा टी जेड ए टी इनवर्स जेड प्लस बी अपॉन सी टी इनवर्स जेड प्लस डी which is a t inverse z here dz minus b upon minus ke cz plus a plus b upon c dz minus b upon minus ke cz plus a plus d। simplify karo a dz minus b plus b माइनस के सी जेड प्लस ई अपॉन सी डी जेड माइनस बी प्लस डी माइनस के सी जेड प्लस डी ए बी माइनस बी सी। माइनस का ए बी और प्लस का ए बी कट जाएगा नीचे, सी डी जाएगा और माइनस का सी डी जेड कट जाएगा ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो एलिमी कट गया विल बी इक्वल टू जेड। यही तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। टी टी इनवर्स के साथ कंपोज होकर कितना आ गया आई देयरफॉर टी को टी इनवर्स के साथ कंपोज करने पर आइडेंटिटी आ रही है। अब हमें श्योर हो पाए कि यहां टी इनवर्स है, टी की इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। थर्ड प्रॉपर्टी, the set of all bilinear transformation forms a group under composition of matrices। कि अगर सारी की सारी bilinear transformations इकट्ठी कर ली जाएं तो उन सारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का सेट एक ग्रुप बनता है, और ग्रुप बनता है किसी ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन हमने लिया कॉम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, दैट इज एस में सारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आपने इकट्ठी की। कौन होती है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस? कलेक्शन ऑफ ऑल टी जेड जिनको ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी की फॉर्म में लिख पाए एक बार, और इनका डिस्क्रिमिनेंट ए बी माइनस बी सी नॉन जीरो। टू प्रूव एस कॉम्पोजिशंस मैपिंग के साथ एक ग्रुप है। अब ग्रुप बनाने के लिए चार प्रॉपर्टी लानी होंगी ना, क्लोजर, आइडेंटिटी और इनवर्स। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी अभी आपने नहीं प्रूव किया कि अगर टी वन जेड और टी टू जेड दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उनको कंपोज करने को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कर दी ना दोबारा, फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी लेना ही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप क्या दिखाएंगे? तीन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस लेंगे P1, P2, P3।
ये दिखाई नहीं कि उनको किसी भी कॉम्पोजिशन किसी भी ऑर्डर में कंपोज करके बराबर है दैट इज कोई भी तीन ट्रांसफॉर्मेशंस लो फॉर ऑल P1 P2 P3 बिलोंग्स टू S S के आपने कोई से भी तीन एलिमेंट लिए दैट इज तीन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ली P1Z तो है डिफाइन कर लिए A1Z + B1 अपॉन C1Z + D1 T2Z है A2Z + B2 अपॉन C2Z + D2 और T3Z है A3Z + B3 अपॉन C3Z + D3 टू शो कि T1 कंपोजिशन D2 कंपोजिशन D3 should be equal to P1 composition, P2 composition, P3. ये टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियसली बोल रही हूँ मैं पिंगा कंपोजिशन इश्यूज नहीं भी बोलता एग्जिस्ट काइंड्स ऑफ आइडेंटिटी देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैप आईजेड इज इक्वल टू जेड नॉट इसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से फॉर्म करिए 1 into z plus 0 upon 0 z plus 1 लिख सकते हैं क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हुआ डिस्क्रिमिनेंट है 1 into 1 minus 0 into 0 that is 1 means non-zero implies that iz will be a bilinear transformation such that अगर किसी भी ट्रांसपोजिशन किसी भी मैपिंग को हम i के साथ कंपोज करें अगर T को I के साथ कंपोज किया गया तो T कंपोजिशन I Z क्या होगा डेफिनेशन से T ऑफ I Z ना और I Z है Z I Z की डेफिनेशन तो Z है ना इम्प्लाइज दैट T कंपोजिशन I इज इक्वल दैट इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो I Z इज इक्वल टू Z है वो एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेकेंड प्रॉपर्टी यही तो थी कि हर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है एम्प्लाइज दैट एस कंपोजिशन इज इन दैट क्रॉस रेशियो प्रिजर्व्स अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सपोज कीजिए w बराबर tz बराबर az + b अपॉन cz + d ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा z प्लेन का हर पॉइंट w प्लेन के किसी ना किसी पॉइंट पर मैप होगा सपोज कीजिए z1 पॉइंट मैप हो गया w1 पर z2 पॉइंट्स मैप हो गया w2 पर तीसरा पॉइंट z3 मैप हो गया w3 पर z4 मैप हो गया w3 आपको प्रूफ ये करना है कि जितना जो भी क्रॉस रेशियो z1 z2 z3 z4 का होगा वही क्रॉस रेशियो w1 w2 w3 w4 अगर चार डिस्टिंक्ट पॉइंट चार अलग-अलग पॉइंट z1 z2 z3 z4 चार अलग-अलग पॉइंट w1 w2 w3 w4 पर मैप हुए हैं तो जो क्रॉस रेशियो z1 z2 z3 z4 का होगा वही क्रॉस रेशियो w1 w2 w3 w4 वही मुझे प्रूफ करना है Let W is equal to TZ is equal to AZ plus B upon CZ plus D such that discriminant AB minus BC is non-zero. B, a bilinear transformation which maps four distinct points z1, z2, z3, z4 of z plane into four distinct points w1, w2, w3, w4 of w that is इसका मतलब w1 किसकी इमेज है z1 की W2 Z2 की W3 Z3 की और W4 Z4 क्या मतलब होगा TZ1 का
Az1 plus b upon cz1 plus b और ऐसे ये भी चाहिए then w1 minus w1 जरा कटाओगे w1 में से w1 को az1 plus b upon cz1 plus b minus az2 plus b upon cz2 plus b cz1 plus b cz2 plus b ये तो LCM आ गया az1 plus b cz2 plus b minus az2 plus b cz1 plus b गुणा cz1 plus b cz2 plus b ऊपर बता दिया है एक टर्म तो आया ac z1 z2 plus ad z1 प्लस बी सी जेड टू प्लस बी डी ऐसी माइनस क्या आएंगे टर्म क्रॉस सारी माइनस माइनस के लिए आएंगे ना कौन कौन ए सी जेड वन जेड टू प्लस ए डी जेड टू बी सी जेड वन प्लस बी डी बहुत सारे कम कर रहे होंगे ए सी जेड वन जेड टू और बी डी ए डी दोनों में से कॉमन अंदर बचा जेड वन माइनस जेड टू माइनस बी सी दोनों में से कॉमन अंदर बचा जेड वन माइनस जेड टू अपॉन सी जेड वन प्लस बी सी जेड टू प्लस बी जेड वन माइनस जेड टू दोनों में से कॉमन अंदर बचा ए डी माइनस बी सी ए डी माइनस बी सी एक एक्सक्रीमेंट दैट इज ए जेड वन माइनस जेड टू अपॉन सी जेड वन प्लस बी सी जेड टू प्लस बी विच इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू माइनस अगर डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री निकालोगे तो डायरेक्ट दिख रहा है ऊपर डिस्क्रिमिनेंट आएगा अंदर जेड टू माइनस जेड थ्री आएगा और नीचे एक टर्म जेड टू आएगा और दूसरा टर्म जेड थ्री आएगा तो सारे निकालेंगे जो जरूरत है सीधे क्रॉस रेशियो की बात करो देयर क्रॉस रेशियो डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू फोर इज डिफाइंड एज डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू न्यूमरेटर में डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री डिनोमिनेटर का टर्म W3 minus W4 फिर numerator में W4 minus W1 भी होने लगे पहले कर दो W1 minus W2 की discriminant Z1 minus Z2 upon AZ1 plus B है ना AZ1 plus B CZ1 plus B और ऐसे CZ2 plus B पहला टर्म यू लू दूसरा टर्म डिस्क्रिमिनेंट जेड थ्री माइनस जेड फोर अपॉन सी जेड थ्री प्लस डी सी जेड फोर प्लस डी इस बार जेड थ्री जेड फोर आ जाएंगे डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री डिस्क्रिमिनेंट जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन सी जेड टू प्लस डी CZ3 plus B and last one discriminant Z4 minus Z1 CZ4 plus B CZ1 plus B तो बचा कितना केवल Z1 minus Z2 Z2 minus Z3 Z3 minus Z4 Z4 minus Z1 and which is the cross ratio of Z1, Z2, Z3 फाइंड ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वन आई और माइनस आई ऑफ जेड प्लेन टू वन माइनस आई प्लस आई ऑफ डब्ल्यू
आपको वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है जो जेड प्लेन के तीन डिस्टिंग पॉइंट 1i माइनस i को डब्ल्यू प्लेन के तीन डिस्टिंग पॉइंट 1 माइनस i प्लस i पर मैप करता है। ये जेड प्लेन में मुझे तीन पॉइंट दिए हैं 1i और माइनस i, और डब्ल्यू प्लेन में कॉरेस्पॉन्डिंग तीन पॉइंट दिए हैं 1 माइनस i। मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है जो जेड प्लेन के इन तीन पॉइंट को डब्ल्यू प्लेन के उन तीन पॉइंट पर मैप करे। अभी अभी हमने सीखा कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के अंतर्गत क्रॉस रेशियो प्रेजेंट रहता है, लेकिन क्रॉस रेशियो को चार का अंतर होता है, तीन का नहीं होता है। ये पॉइंट जेड प्लेन के हैं तो चौथा पॉइंट जेड मान लो, ये पॉइंट डब्ल्यू प्लेन के हैं तो चौथा पॉइंट डब्ल्यू मान लो, और अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेना है the required bilinear transformation is given by इन चारों का क्रॉस रेशियो, इन चारों की क्रॉस रेशियो के बराबर है जेड वन आई माइनस आई। कर्व का ध्यान रखना, जेड फिर मैं ऊपर से नीचे को चलाऊं ऐसे इधर लिखूंगा डब्ल्यू वन माइनस आई। जेड प्लेन के हैं तो आपने आर्बिट्री जेड मान लिया, डब्ल्यू प्लेन के हैं तो आर्बिट्री डब्ल्यू मान लिया। अब आपको इस क्रॉस रेशियो की सहायता से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। करो क्रॉस रेशियो को, करो जेड माइनस वन वन माइनस आई नीचे, आई माइनस माइनस आई दैट इज टू आई, और माइनस आई माइनस जेड ऐसे उधर जाओ W माइनस वन वन प्लस आई माइनस के टू आई और I माइनस। इस एक्सप्रेशन से चाहे तो जेड का मान W के टर्म में निकाल लो, चाहे W का मान जेड के टर्म में निकाल लो, किसी भी एक का मान दूसरे के टर्म में फाइंड आउट करो गुणाकार करके, दैट इज W J इज इक्वल टू वन, तो W बराबर और चेक कर सकते हो आप रख के देखो, जेड का मान वन रखने पे डब्ल्यू का मान वन आना चाहिए, जेड का मान आई रखने पे डब्ल्यू का मान माइनस आई आना चाहिए, अगर जेड को आई रखने पे माइनस आई रखने पे